Maslow's theory of effective education. Maslow again is one psychologist who has talked a lot about the principles of effective education. Maslow has given his hierarchy of needs, जिसमें physical needs से लेके self-actualization needs जो हैं, वहाँ तक उसने बात की है. Maslow का ये ख्याल है कि एक इंसान जो है, उसको बहुत सी जो हैं needs उसके इर्द-गिर्द जो हैं वो होती हैं और need-based चीजें जो हैं, वो step by step उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं. मिसाल के तौर पर physical needs जो हैं, the need of belongingness, the need to be loved, the need to be cared, the need to have self-esteem and the need to self-actualize, the need to realize your potential. ये सब चीजें जो हैं, वो एक शख्सियत का हिस्सा होती हैं. और step by step जो है, वो कोई भी जो student है, वो step by step इन needs में से गुजरता है और इन needs की actualization जो है, वो बहुत जरूरी है. तो जब हम ये देखते हैं कि हर इंसान में ये तमाम desires मौजूद हैं, तो इसी तरह जब हम curriculum बनाते हैं, तो फिर इन desires की fulfillment जो है, वो बहुत जरूरी है. मैज़लो जो है वो इफेक्टिव एजुकेशन जो है उसको बेहद तवज्जो देता है और वो ये कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दे एक्सप्रेस अ डिजायर टू बिलोंग टू समवेयर टू बी लव्ड टू बी रिस्पेक्टेड एंड ह्यूमन बीइंग्स आल्सो डिजर्व टू बी एक्नॉलेज्ड. तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट का हिस्सा हैं. अब देखना ये है कि स्कूल करिकुलम जो है वो इन चीज़ों को कैसे सपोर्ट कर रहा है. For example, जो स्कूल करिकुलम है वो फिजिकल इमोशनल एंड सोशल रिलेशनशिप्स के साथ कैसे डील कर रहा है. स्कूल में जब छोटी उम्र का बच्चा है तो वहां पर उसकी जो फिजिकल नीड्स हैं दोज आर सुप्रीम एंड एज अ चाइल्ड ग्रोज अप तो वहां पर फिर दी नीड टू बिलोंग टू अ प्लेस द नीड टू बी लव्ड एंड रिस्पेक्टेड वो नीड जो है वो इन प्लेस आ जाती है. जब उस नीड की फुलफिलमेंट हो जाती है देन दैट स्टूडेंट गोज अ स्टेप अहेड एंड दैट स्टूडेंट डिवेलप्स अ काइंड ऑफ सेल्फ एस्टीम दैट अगेन नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड एंड टेकन केयर ऑफ. व्हेन दैट डिजायर इज मेट देन देर इज अ स्टेप अहेड देन देर इज दिस नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विच मीन्स कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी एक्नॉलेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्या स्कूल करिकुलम इन नीड्स को मीट कर रहा है. So according to Maslow, this step-by-step need fulfillment is something which is very important. And all these are determining factors in effective education. When we are meeting the physical, emotional and social needs of student, we are taking care of effective education in totality. Now the question is that is the school doing it? Kya school apna curriculum इस तरह बेस कर रहा है कि एकेडमिक नीड्स के साथ साथ सोशल फिजिकल और इमोशनल नीड्स जो हैं उनको उनका भी ख्याल रखा जाए. एक छोटी सी मिसाल है कि एक पहली जमात के बच्चे जो हैं उनकी फिजिकल नीड्स का ख्याल हम कैसे कर सकते हैं. क्लासरूम के अंदर हमने उनको कैसे बिठाया है और क्लासरूम के अंदर टेबल्स और चेयर्स जो हैं क्या उनकी नीड या उनके कद के मुताबिक हैं. और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि हम उनकी फिजिकल नीड्स को मद्देनजर नहीं रख रहे. आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो फर्नीचर साइज है वो भी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द क्लास एंड एज होता है. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल नीड एंड दैट नीड्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. जैसे जैसे स्टूडेंट जो है वो बड़ी क्लास में होता जाता है नीड्स भी डिफर करती जाती हैं और उन नीड टीचर्स के लिए ये जरूरी है कि वो उन नीड्स को जाने और उसकी फुलफिलमेंट की तरफ आए सो दैट अ स्टूडेंट गेट्स अ फुलफिलिंग एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम. एकेडमिक नीड्स तो हम जो हैं वो उसका ख्याल कर ही रहे होते हैं. इमोशनल नीड्स जो हैं उनका ख्याल करना बहुत जरूरी है बिकॉज व्हाट डज इट गिव टू द स्टूडेंट. इट गिव्स टू द स्टूडेंट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू अ प्लेस विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इस चीज का ख्याल रखें कि बच्चा जो है जब स्कूल आ रहा है ही और शी इज लीविंग द वॉर्म्थ ऑफ हिज हाउस और हर हाउस एंड इज कमिंग टू अ स्ट्रेंज प्लेस. सो दैट स्ट्रेंज प्लेस नीड्स टू अकोमोडेट दैट चाइल्ड एंड नीड्स टू प्रोवाइड द बिलोंगिंगनेस दैट अ चाइल्ड हैज लेफ्ट बिहाइंड एट होम. मैज़लो जो है वो इस चीज का बहुत ख्याल रखता है. सो स्टूडेंट्स जो है दे मस्ट बी वैल्यूड एंड प्रोटेक्टेड. So when students are valued and protected, they feel confident.
और सेल्फ कॉन्फिडेंस से ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने तदरीसी काविशों में जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं बिकॉज देयर सोशल एंड इमोशनल नीड्स आर मेट. सो मैज़लो सेज कि अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो जो एकेडमिक डेवलपमेंट है वो उसके साथ ऑटोमेटिकली जो है इट प्रोसीड्स इन अ हेल्दी मैनर. सो दैट इज़ वाई द एकेडमिक नीड्स एंड द सोशल डेवलपमेंट नीड्स दे नीड टू गो साइड बाई साइड एंड दे नीड टू बी actualized at every level.